नमस्ते। आज हम विधानसभा शुरू कर रहे हैं और मोस्ट अवेटेड क्लास थी कि मैम विधानसभा कब पढ़ाओगे, विधानसभा कब पढ़ाओगे। तो आज से विधानसभा शुरू कर रहे हैं और विधानसभा शुरू करते वक्त दो बातों का ध्यान रखें। पहला, ये थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि अगर मैंने इसको एक सर्टेन लेवल तक छोटा नहीं किया या बहुत सारा एक साथ पढ़ा दिया तो ये आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगी पहली। इसलिए ये सीरीज थोड़ी लंबी चलेगी, तो पेशेंस रखना, पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी विधानसभा में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको इसका रोज रिवीजन करना होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात विधानसभा के बारे में ये है। तो दो बड़ी हिदायत आपको विधानसभा के बारे में क्या याद रखनी है। पहली, कि मैंने इसको सीरीज को लंबा किया है, छोटा किया है, बहुत सारे चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ा है। इसलिए तोड़ा है क्योंकि एज यूजल आपको पता है डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी अपनाना ही पड़ता है सिलेबस पर। जब आप सिलेबस पर डिवाइड एंड रूल को अपनाते हैं तब आप हर छोटे छोटे खंड को अच्छे से समझकर फिर पूरा रिवीजन करके जाते हैं तो चीज़ें क्या रहती है, दिमाग में रहती है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत विधानसभा को तकरीबन 6-7 क्लास तक रखा जाएगा, तो आपको पेशेंस का ज़रूरत रहेगा। हाँ, अगर आप कह दोगे कि नहीं मैम जल्दी जल्दी करा दो, 2-3 क्लास में ख़त्म करो, तो वो भी है। लेकिन एज मेरा ऐसा कभी रहा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग जाऊं और ऐसे ही करा दूं सिलेबस। नहीं, मैं चाहती हूं कि आप फील लें कि विधानसभा क्या होती है। कभी आपको इससे फिर दोबारा जिंदगी में डर ना लगे या कभी किसी और बार इसको देखने का जरूरत ना रहे। ठीक, दूसरी इसके साथ एक और दिक्कत है कि आपको आगे बढ़ने से पहले पहली क्लास फिर से देख के आनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज विधानसभा की पहली क्लास है, तो जब मैं सेकेंड क्लास में आपकी लेने वाली होंगी उससे पहले, ठीक 1 घंटा पहले, आप पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो उससे क्या होगा कि एक जो इमेज दिमाग में बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे आप? हाँ, अच्छे बच्चे हैं आप, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आप जरूर फॉलो करेंगे। तो चलो आज भगवान का नाम लेकर क्या शुरू करते हैं, विधानसभा शुरू करते हैं, ताकि हमें एक सुपर नेचुरल पावर का आशीर्वाद मिले और हमारा ये विधानसभा को समझने का सफर बड़ा अच्छे से बीते। तो आओ शुरू करते हैं आज विधानसभा। ठीक है, तो चलो। हाँ, 2 दिन सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से आपको क्लासेस अपलोड होती भी नहीं दिखी। तो वो जल्द ठीक हो जाए, उनको भयंकर कफ एंड कोल्ड हुआ है, बहुत ज्यादा वाला। मैंने तो देखा है, लिटरली आंखों में से इतना पानी गिरा है। तो उस स्थिति में वो आपके लिए क्लास अपलोड नहीं कर पाए। लगभग सब लोगों को अभी कफ एंड कोल्ड रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो बी पेशेंट, ठीक है, ध्यान रखना एकदम, अपना भी, अपनी हेल्थ का भी और सब चीजों का। तो चले शुरू करें। हाँ, पहला आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, पर मानसिकता नहीं बनाते हैं कि डिफिकल्ट है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, राज्य विधानमंडल। जैसे कि मेरी आदत है कि पहले मैं आपको छोटे छोटे लिख दूंगी कीवर्ड्स और उनको भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो राज्य विधानमंडल को मैं लिखूंगी BM। तो आपको पहली चीज यहाँ पे पॉइंट 2 भी नोट में लिखनी है कि जहां कहीं भी मैं BM लिखूंगी उसका मतलब क्या होगा, विधानमंडल। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि जहां पर भी मैं VP लिखूंगी उसका मतलब होगा विधान परिषद। ठीक बात, और जहां कहीं भी मैं VS लिखूंगी उसका मतलब होगा विधानसभा। अब आप पूछेंगे कि मैम इस सब चीजों का क्या होगा, इससे दो चीजें होगी। पहला, लिखते वक्त मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के कारण जल्दी से दिमाग में चला जाएगा क्योंकि शब्द ज्यादा जगह घेरेंगे। BM से आपको समझ में आ जाएगा, VP से आपको समझ में आ जाएगा, VS से आपको समझ आ जाएगा। तो तीन ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हमको याद रखना है कि विधानमंडल होता क्या है। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास सेंटर के अंदर सब कुछ तय करने के लिए संसद है ना, बिल्कुल वैसे ही स्टेट के अंदर उसका फोटोकॉपी है। तो याद रखो कि संसद का सस्ता फोटोकॉपी कौन है, राज्य विधानमंडल है। तो मैं तो इसको ऐसे ही समझाती हूँ कि आपकी संसद का सस्ता फोटोकॉपी है ये। संसद का क्या है, सस्ता फोटोकॉपी। अब मैंने सस्ता फोटोकॉपी क्यों लिखा, मैंने सस्ता फोटोकॉपी इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें क्या होगी, वेरिएशन में आएगी, बदलेगी, कुछ पावर्स उससे क्या होगी, कम होगी। संसद तो सुप्रीम है, हमारे पास, संसद के पास सब तरीके की पावर है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास एक्सट्रीम लेवल की, सुप्रीम लेवल की पावर नहीं है। लेकिन ये है किसके जैसी,
संसद जैसी है विधानमंडल, तो इसलिए मैंने इसको कहती हूँ संसद का सस्ता फोटोकॉपी। तो मजे मजे में अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि बताओ राज्य विधानमंडल क्या होता है, तो उसको हंसी मजाक में चिपका देना, बोले संसद का सस्ता फोटोकॉपी क्या कहलाता है, राज्य विधानमंडल कहलाता है। मतलब जो कानून बनाने का काम केंद्र में संसद करती है, बिल्कुल वैसे ही, सॉरी पॉइंट टू बी नोटेड, जो विधि बनाने का काम संसद में केंद्र में संसद करती है, वही विधि बनाने का काम राज्य में कौन करेगी, विधानमंडल करेगी। तो इधर की तरफ, हाँ, जो बच्चे आरएस मेंस दे रहे हैं उनका पेपर थर्ड लगता है, पेपर थर्ड के लिए ये विधानमंडल इम्पोर्टेंट है, तो वो भी मेरे शब्दों को गौर रखें और उस हिसाब से अपने नोट्स को क्या करें, राइट डाउन करें। ठीक बात। तो सुनो, अब आपसे पूछ ले, समझो कि विधानमंडल क्या होता है। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो मैंने आपको समझा दी है कि ये सस्ता फोटोकॉपी है। किसका सस्ता फोटोकॉपी है? ये संसद का सस्ता फोटोकॉपी है। और ये कहाँ रहता है? राज्य में रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम इसका क्या है कि ये राज्य में जितना भी विधि बनना है वो सब विधि बनाने का काम कौन करेगी? विधानमंडल। ये देखो, ये विधान से ही कौन सा शब्द निकलता है? विधि। ठीक बात। विधि और विधान क्या है? लगभग सिमिलर शब्द है हिंदी के अंदर। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला कि संसद का सस्ता फोटोकॉपी आपका राज्य विधानमंडल है। दूसरा, राज्य विधानमंडल राज्यों में क्या करेगा? तो बहुत सिंपल है कि वो राज्य के अंदर क्या करेगा, विधि निर्माण को पूरा करेगा। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब हम अपनी पहली लाइन की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य की राजनीति में, ठीक है, राज्य विधानमंडल की भूमिका केंद्रीय होती है। मतलब जितना भी राज्य का राजनीति है वो किसके आगे पीछे घूमता रहता है? आपके राज्य विधानमंडल के आगे पीछे। जैसे आपने वो गाना सुना होगा ना, यूं भंवरों की तरह आगे पीछे ना डोलना, ऐसा कुछ है ना, अब याद नहीं आ रहा है, ऐसा है कुछ गाना एक। तो जितनी भी राजनीति है राज्य की, जितनी भी राजनीति है वो किसके आगे पीछे चक्कर निकाल रही है? ये मान लो विधानमंडल है। इसके आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे कौन डोलती रहती है? राज्य विधानमंडल डोलती रहती है। तो केंद्रीय भूमिका समझ आई। फिर देखो, संपूर्ण राज्य का शासन और प्रशासन यहीं से चलता है। तो आइए समझते हैं राज्य सत्ता के शक्ति पीठ को। तो मैं इसको क्या कहती हूँ कि ये राज्य सत्ता का क्या है? शक्ति पीठ है। सब कुछ चीजें कहाँ से तय हो रही है? राज्य विधानमंडल से तय हो रही है। अब हमें फैक्ट याद रखना है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला फैक्ट आप ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 6 में, अनुच्छेद 168 से 212 तक, कौन से अनुच्छेद से? 168 से 212 तक आपको क्या देखने को मिलता है? राज्य विधानमंडल का संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारी, विशेषाधिकारी और शक्तियों का वर्णन मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिख देंगे विधानमंडल। विधानमंडल को लिख देंगे कि ये संविधान के अंदर कौन से भाग में देखने को मिलेगी? तो संविधान के भाग 6 में देखने को मिलेगी। और इसके पास कहां से कहां तक आर्टिकल होंगे याद रखने होंगे? 168 से लेकर 214 तक, 168 से लेकर 212 तक, 212 तक। ठीक बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाऊं। चलो, हाँ, अब हम सबसे पहले कौन सा आर्टिकल समझने वाले हैं? 168 समझने से पहले मैं एक बार और आपको समझा रही हूँ कि राज्य की राजनीति कहाँ से शुरू है और कहाँ से खत्म है, है ना? कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म होती है? तो वो एक ही जगह है, और वो एक जगह कौन सी है? आपकी राज्य विधानमंडल। कौन है वो? राज्य विधानमंडल। अब आप ये कह सकते हो कि ये राज्य विधानमंडल बिल्कुल क्या है? सस्ता फोटोकॉपी है। किसका सस्ता फोटोकॉपी है आपका? एकदम संसद का। ठीक बात। संसद फोटोकॉपी किसका? आपका संसद का। दूसरी बात, तीसरी बात आपने ये याद रखनी है, ये क्या करेगी? तो भाई क्या करेगी? सिंपल, विधि निर्माण करेगी। राज्य में क्या करेगी? विधि निर्माण। राज्य में कौन से काम को हैंडल करेगी? विधि निर्माण के काम को देखेगी। फिर आप तीसरी चीज क्या रखोगे? जो फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि ये हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक लिखी हुई है। मतलब
समझ आया। अब हमें सबसे पहले याद रखना है 168, तो बहुत सिंपल है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, विधानमंडल की बात कर रहे हैं, तो 168 में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विधानमंडल का गठन करना होगा। तो 168 में अपनी कीवर्ड पॉलिसी के तहत आप किसको याद रखेंगे, 168 इज इक्वल टू विधानमंडल का गठन। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब हम बात ही किसकी कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष की कर रहे हैं, सत्ता के शक्ति पीठ की कर रहे हैं, तो सबसे पहले 168 में जाकर उसको क्या करो, बनाओ। गठन मतलब बनाओ। तो और सरल शब्दों में तोड़ दो, 168 इज इक्वल टू विधानमंडल बनाओ। क्या करो, विधानमंडल बनाओ। तो यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम समझने में या आगे लंबे समय तक दिमाग में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ू। चलो अब हम समझेंगे 168(1) को। तो फिर वहां से कीवर्ड पॉलिसी के तहत लिखना शुरू करते हैं। तो कीवर्ड के तहत आप क्या याद रखेंगे, पहली चीज याद रखेंगे 168 इज इक्वल टू विधानमंडल बना लो। बना लिया विधानमंडल। अब वो कह रहा है देखो गौर से दो बात सुनो। पहली बात क्या सुनो, गौर से सुनना कि अगर ये सिंगल है, अगर ये क्या है सिंगल, देखो होता है ना कुछ लोग सिंगल होते हैं कुछ लोग कपल होते हैं, तो अगर आपकी विधानमंडल क्या है सिंगल है, अब देखो इसको एकल मत याद करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी वाला एकल शब्द खराब है, नहीं, दिमाग में ज्यादा देर तक आपका कौन सा शब्द रहेगा, सिंगल, क्योंकि बहुत रनी है, बहुत क्विक है, जवान पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल, अब सिंगल विधानमंडल का मतलब क्या होता है, तो सिंगल विधानमंडल इज इक्वल टू क्या होगा, तो बहुत इजी है, राज्यपाल को ले आओ प्लस किसको ले लो, विधानसभा को। पर ये सिंगल है आपका, कैसा मामला है, सिंगल मामला है। तो 168 फर्स्ट में वो बता रहे हैं कि जब आप विधानमंडल बनाओगे, अगर आप सिंगल बनाते हो तो सिर्फ आपको दो लोगों की जरूरत है, राज्यपाल की और विधानसभा की। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आप इसको क्या बनाते हो, डबल, इसको क्या बना देते हो आप, डबल, डबल बनाते हो, तब विधानमंडल में कौन कौन होगा, तब आपके विधानमंडल के अंदर होगा राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। तब कौन होगा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो सिंपल समझ में आया कि 168 फर्स्ट आपको क्या कहना है, आपको दो शब्द याद रखने हैं, सिंगल और डबल। सिंगल में कुछ नहीं करना, विधानसभा और राज्यपाल को एक साथ बिठाना है, और डबल में क्या करना है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को एक साथ ले आना है। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पढ़ दूं, चलो, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बना होगा। तो एकल, यानी कि ये बात समझो कि विधान मंडल का अभिन्न अंग कौन है, राज्यपाल है। बिना राज्यपाल के विधान मंडल की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए ये वाला हिस्सा स्टेटमेंट स्टार बनेगा। क्या बनेगा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन का स्टार बनेगा। कौन से क्वेश्चन का स्टार बनेगा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन का स्टार बनेगा। बिना राज्यपाल के पूरा का पूरा विधान मंडल क्या है, सूना है। क्या है वो, सूना है। अब देखो सिंगल की बात करते हैं, एकल की बात करते हैं। तो एकल में आप देखो राज्यपाल और राज्य विधानसभा है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, राज्य विधानमंडल, जो कि मैंने यहाँ लिख के दिया है आपको। फिर डबल, द्विसदनीय में क्या होगा, राज्यपाल प्लस राज्य विधानमंडल प्लस राज्य विधान परिषद इज इक्वल टू क्या होगा, राज्य विधानमंडल, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ में आई, सिंगल और डबल। आगे चले, हाँ, अब यहाँ पर पढ़ने से पहले पुराना दोहरा लेते हैं। तो मेरे साथ साथ आप टाइप करेंगे, क्योंकि जब भी टफ टॉपिक होता है आपको और मुझको एकदम एक योद्धा की तरह, एक सेनापति की तरह उस्तैद रहना होगा। हाथ आपके भी नहीं रुकने चाहिए और मेरे भी नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। अगर मैं पूरा 100% यहाँ पर मेहनत नहीं करूंगी इस पेज पर साइड के, तो आप भी उधर से क्या नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। साइको है कि अगर टीचर सुस्त है तो बच्चे महासुस्त है, अगर टीचर चुस्त है एकदम तेज है और एक्टिव है तो बच्चे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, एक्टिव। तो इधर से मेरे भी हाथ नहीं रुकेंगे, उधर से आपके भी नहीं रुकने चाहिए, तब तक तो बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए जब तक ये क्लास ऑफ एयर हो और आपके दिमाग में विधानसभा का फर्स्ट वीडियो का जितना भी कंटेंट है वो सेम नहीं हो जाए, तब तक तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अब देखो 168 बहुत मस्त है, विधानमंडल को बना लो। बनाते वक्त
168(1) में वो कहता है, दो बात ध्यान रखना, तुम्हें क्या करना होगा, सिंगल और डबल का मामला। कौन सा मामला करना होगा? सिंगल और डबल का मामला। अब सिंगल मामले में आपको याद रखना है, आपको अपने राज्यपाल और विधानसभा को लाना है। किसको लाना है? विधानसभा को, तभी आपकी क्या बनेगी? विधानमंडल बनेगी। डबल मामले में आपको क्या याद रखना है? डबल मामले में आपको याद रखना है कि आपके पास राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद इज इक्वल टू क्या होगा? विधानमंडल। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि देखो कुछ फैक्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो फैक्ट क्या है वो आपको देखने जरूरी है। पहला चीज है कि भारत के 22 राज्य एकल सदनीय है, मतलब भारत के 22 ऐसे राज्य हैं जो कैसे हैं, सिंगल है। तो यहाँ यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिख लो, ऐसे स्टेट की संख्या कितनी है? 22 है। ऐसे स्टेट की संख्या कितनी है? 22 है। एक मिनट, ऐसे स्टेट की संख्या कितनी है? 22 है, ठीक बात। फिर अगली लाइन क्या लिखी हुई है? अगली लाइन ये लिखी हुई है कि वही 6 राज्य ऐसे हैं जो डबल है, जो क्या है? डबल है। तो इसके नीचे आपको क्या लिखना होगा? 6। इसके नीचे क्या लिखना होगा? आपको 6 लिखना होगा। तो ये आपका छोटा छोटा करके तैयार हो गया। तो 22 ऐसे राज्य हैं जो सिंगल है और 6 ऐसे हैं जो क्या है? डबल है, जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अब वो 6 कौन है ये आपको याद रखना चाहिए। तो देखो नक्शे के अंदर से ध्यान रखना, अपन ज्योग्राफिकली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले किसको याद रखेंगे? अपने यूपी को। सबसे पहले अपन किसको याद रखेंगे? अपने यूपी को। यूपी के बाद यूपी का पड़ोसी बिहार है ना। फिर यूपी बिहार के बाद कहाँ पहुंच जाना? महाराष्ट्र। कहाँ पहुंच जाना? महाराष्ट्र। ओ गॉड, मैं भूल गई हिंदी में लिखना था। पहले यूपी, फिर बिहार। बिहार के बाद आप कहाँ पहुंच जाना? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद कहाँ पहुंचेंगे अपन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक। तेलंगाना और कर्नाटक। कोई ट्रिक ट्रिक की जरूरत नहीं है, सिंपल ज्योग्राफी अपने दिमाग में रखे, भारत का नक्शा रखे कि अच्छा पहले यूपी, देन आप यूपी का पड़ोसी बिहार, फिर आप नीचे आ जाना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक और इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 हो गए। अब कुछ कहेंगे कि मैम मध्य प्रदेश भी है। बिल्कुल मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश वाले को राष्ट्रपति ने अब तक क्या नहीं दे रखी है? मंजूरी पेंडिंग है उसकी। तो जब तक मंजूरी पेंडिंग है मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख सकती। और जम्मू कश्मीर वाले की क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है। तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है, जो लेटेस्ट सिनेरियो है, उसमें ये 6 है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं, पूरा कंप्लीट आपको दिख रहा है। चलो अब हम पढ़ेंगे 168(2). अब 168(2) पढ़ने से पहले क्या करेंगे? सिंपल है, रिविजन करते जाएंगे। तो पहले 168 आप लिखें, फिर 168(1) आप लिखें। और 168(1) में मुझे इतना बता दीजिए सिर्फ कितने राज्य हैं? 22 राज्य जो हैं वो क्या हैं? सिंगल हैं, ठीक बात। 22 राज्य हमारे सिंगल हैं और हमारे 6 राज्य जो हैं वो क्या हैं? डबल हैं। अब ये 6 राज्य डबल जो हैं वो कौन से हैं? तो जो हमारे 6 राज्य डबल हैं, जो हमारे डबल हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम मैप से आगे बढ़ेंगे। पहला है हमारा यूपी, देन उसका पड़ोसी बिहार, फिर हम कहाँ चले जाएंगे? अपने महाराष्ट्र के पास चले जाएंगे। फिर महाराष्ट्र के नीचे ही कौन है? कर्नाटका। तो कर्नाटक और देन कर्नाटका के दो दोस्त, बेहतरीन दोस्त, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, क्लियर। अब हम एक सिंपल सी चीज समझते हैं, वो यहाँ लिखी हुई है 168(2) में। अब 168(2) बहुत इजी है। वो कहता है कि जो डबल सिस्टम है वो हमेशा कैसा होगा? हायर, उच्च सदन होगा, जिसको आप क्या कहोगे? विधान परिषद। तो याद रखो विधान परिषद बड़ी बहन है। क्या है? विधान परिषद बड़ी बहन है। फिर देखो सिंगल राज्य में निम्न सदन क्या होगा? विधानसभा होगा। तो बहुत सिंपल है कि विधानसभा आपका लोअर हाउस है और विधान परिषद आपका क्या है? अपर हाउस है। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना इजी मामला हमें याद रहता है लेकिन हम है ना इस आर्टिकल को भूल जाते हैं कि वो 168(2) है। और एग्जामिनर क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करेगा, जरा गौर से बोर्ड पर देखिएगा, आसपास की जो चैट चल रही हो उस पर ध्यान ना देना इस वक्त। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि राज्यों में
उच्चतर सदन, उच्चतर सदन विधान परिषद होगा और निम्नतर सदन विधानसभा होगी। इससे संबंधित अनुच्छेद है और आपके पास ऑप्शन हो, ए ऑप्शन हो 168, बी ऑप्शन हो आपके पास बी ऑप्शन हो आपके पास 168-2, सी ऑप्शन हो आपके पास 169 और डी ऑप्शन हो आपके पास 169-2। तो अब देखो, जब ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर आपको डाल देगा उस समय, और ऐसा होगा भी, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, 80% ऐसा होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तब आप उस समय ये जजमेंट को ध्यान रखोगे कि वो 168-2 है, वो कौन सा सही होगा, 168-2 क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। तो दिख रहा है आपको क्लियर, एकदम साफ, और थोड़ा किनारे पे चला गया है, पर जो लोगों को पीपीटी मिलेगा उनको ध्यान रखना होगा कि वहाँ 168-2 लिखा हुआ है। तो क्लियर, आगे बढ़ूं, चले। हाँ, अब हमें पढ़नी है, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, विधान परिषद क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम बड़ी बहन पहले पढ़ेंगे, जैसे कि संसार का नियम है, जो पहले आया है वो बड़ा है, तो हम भी संसार के नियम का पालन करते हुए हम किसको पहले पढ़ेंगे, पहले हम अपने विधान परिषद को पढ़ेंगे। और इस विधान परिषद के बारे में हम कहाँ पढ़ के आए हैं, 168 में पढ़ कर आए हैं और 168-2 में ये पढ़ के आए हैं कि ये बड़ी बहन है। कैसी बहन है, ये बड़ी बहन है। तो हमारी वीपी जो है वो हायर सदन है, कैसा सदन है, उच्चतम सदन है। अब हमें सब कुछ इसके बारे में ही पढ़ना है पहले, यानी कि आपकी पहली दो क्लास किसके बारे में होगी, राज्य विधान परिषद के बारे में होगी। इसलिए जब इसकी दूसरी क्लास चलेगी विधान परिषद की, उससे ठीक 1 घंटा पहले आप इस क्लास को क्या करेंगे, रीवाइंड करके देखेंगे, ताकि आपका सेकंड क्लास का सारा सिनेरियो दिमाग में क्या रहे, क्लियर रहे। डन, आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है 169 को। तो 169 क्या कहता है, वो कहता है कि दो रास्ते हैं, या तो आप विधान परिषद को बना लो, या आप विधान परिषद को क्या कर दो, हटा दो। बहुत सिंपल है, दोनों चीजें कहाँ लिखी हुई है, विधान परिषद। वो विधान परिषद में क्या कहते हैं कि यार दो रास्ते हैं, या तो आप बना लो या आप क्या कर दो, हटा लो। तो बहुत सिंपल है 169। तो 169 में फिर से मेरे साथ दोहराइए, आप कमेंट देख, अगर आप लाइव देख रहे हैं क्लास तो लिखते जाइए। देखो, इन लिखने से ये फर्क पड़ेगा कि आपको चीजें क्लास में, आप एक्टिव रहोगे, आप इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, ये 1 घंटा या 45 मिनट्स की क्लास आपके लिए क्या होगी, बहुत फ्रूटफुल होगी। तो बस 169 में कुछ नहीं करना, आपको किसकी बात करनी है, बड़ी बहन की, और बड़ी बहन कौन है, विधान परिषद है, और विधान परिषद के बारे में दो बात कही जा रही है कि या तो इससे बना के रखो, बना लो इसको, या फिर इसको क्या कर दो, हटा दो। कुछ ना कुछ करो, या तो बनाओ या तो क्या कर दो, हटा दो, दोनों में से कोई एक काम। अब पढ़े संविधान की लैंग्वेज में, ये तो अपनी लैंग्वेज हुई, दिमाग में रखने की लैंग्वेज हुई, अब इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। राज्यों में विधान परिषद होगा, उत्सादन, उत्सादन मैंने खत्म करना, और मैंने क्या लिखवाया है आपको, हटा देना, क्या कर देना, हटा देना। उत्सादन शुद्ध हिंदी का शब्द है जिसका मीनिंग होता है खत्म करना, और हम किससे दिमाग में रखते हैं, हटा देने से। एवं सृजन करना, सृजन करने का मतलब होता है बना लो, बनाना, तुम अपन क्या लिख रहे हैं, बना लो। पर सीक्वेंस याद रखना कि पहले ये हटाने की बात कर रहे हैं, फिर ये किसकी बात कर रहे हैं, बनाने की। तो 169 में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलूं मैं, चलो अगला। अब हम बात करेंगे 169 फर्स्ट की। अब 169 फर्स्ट को आप बहुत गौर से देखें, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको अपना कंसंट्रेशन, ध्यान क्लास से नहीं छोड़ना है, भले आप लाइव देखें या जब आप पढ़ने बैठे, जब भी आपको टाइम मिले। बिकॉज सो मेनी फीमेल स्टूडेंट इन क्लास जो कि बहुत या तो वर्किंग है या उनका पारिवारिक प्रॉब्लम है, तो वो कई बार नहीं देख पाती हैं लाइव, तो वो अगर बाद में भी देख रही है तो ध्यान रखें, इस बिंदु पर उनका ध्यान नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलो अब 169 को पढ़ते हैं। 169 फर्स्ट आपसे क्या कहने आ रहा है, इम्पोर्टेंट अंदर की बात है। अब वो कह रहा है कि
कि आपको अगर वीपी बनाना है या फिर आपको हटाना है, या तो आपको बनाना है या हटाना है, इन दोनों ही केस में आपको कहाँ जाना होगा, किसको देखना होगा, संसद से विधि बनवानी पड़ेगी। किससे विधि बनवानी पड़ेगी? संसद से। तो पहला क्वेश्चन यही आएगा कि चाहे आपको राज्य के अंदर विधान परिषद को बनाना है या हटाना है, दोनों कंडीशन में आपको किसकी गरज पड़ेगी? आपको संसद के कानून की गरज पड़ेगी। अब आप संसद तक कैसे पहुंचोगे? तो इधर देखो, वो कह रहे हैं कि जिस भी राज्य को वीपी या तो बनानी है या क्या करनी है, हटानी है, पहले वो क्या ले? संकल्प ले। क्या ले वो? पहले संकल्प। जैसे आपने संकल्प ले रखा है ना कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, 100 तरीके के रोड़े आए, पर हम इस साल उस पीडीएफ में फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख के रहेंगे, ये संकल्प लिया है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर राज्य का विधानमंडल, स्पेशली उसमें भी कौन? विधानसभा। उसमें कौन? विधानसभा। अगर राज्य वीपी बनाने के लिए या हटाने के लिए संकल्प करे, क्या करे? संकल्प। और ये संकल्प उसको कहाँ रखना होगा? विधानसभा में रखना होगा। विधानसभा में रखने के बाद उसको क्या करना होगा? पास करना होगा। लेकिन ये पास कैसे होगा? 2/3 बहुमत से। कहाँ से पास करोगे? 2/3 बहुमत से पास करोगे। और पास करके किसकी शरण में भेज दोगे? संसद की शरण में भेज दोगे। उसके बाद सब कुछ कौन तय करेगी? संसद तय करेगी। बनानी होगी तो बनाएगी, हटानी होगी तो हटाएगी। तो 169 फर्स्ट का ये इतना सा प्रोसेस क्या आपको समझ आया? बहुत सिंपल है। 169 फर्स्ट किसकी बात करता है कि अगर आपको वीपी बनानी है या हटानी है तो आपको किसकी गरज पड़ेगी? एक सुप्रीम अथॉरिटी की, वो कौन है? संसद की विधि। अब राज्य को क्या करना पड़ेगा संसद को बनाने के लिए, मनाने के लिए, सॉरी, संसद को मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राज्य को अगर वीपी विधान परिषद बनानी है या हटानी है तो पहले वो क्या करे? संकल्प करे। संकल्प कहाँ रखे? विधानसभा में रखे। विधानसभा उससे क्या करे? पास करे। कितने बहुमत से पास करे? 2/3 बहुमत से पास करे। और चिट्ठी किसको भेज दे? संसद को। आप समझ लीजिए कि संसद बिग है। मतलब अगर विधान परिषद बड़ी है राज्य के अंदर तो उसकी भी बड़ी बहन कौन है? संसद है। ठीक बात। अब पढ़ दूं सब कुछ इसमें लिखा हुआ है जो, तो बहुत आसान है। 168 के अधीन संसद विधि द्वारा, पहला क्वेश्चन ये कि विधान परिषदों को बनाने और हटाने का जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद अपने कानून से, अपनी विधि से सब चीजें तय करती है। तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद नई बना सकती है और बनी हुई को क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन? फिर देखो, दोनों ही प्रक्रियाओं में, दोनों ही में, नई बनाने में भी और हटाने में भी, राज्यों को ऐसा संकल्प, ठीक है, अपनी विधानसभा में कुल संख्या के बहुमत द्वारा, अर्थात उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम, कौन से बहुमत से? प्रेजेंट इन वोटिंग का कौन सा बहुमत? 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा और यह संसद को क्या करना होगा? भेजना होगा। तो क्लियर प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं? आगे चलूं? चलो अगला 169-2। अब 169-2 क्या कहता है? बहुत सिंपल बात कहता है। पहले हम यहाँ पे 169 फर्स्ट लिख लेते हैं। आपको अगर विधान परिषद या तो नई बनानी है या पुरानी वाली को क्या करना है? खत्म करना है। पुरानी वाली को क्या करना होगा? खत्म करना होगा। दोनों ही केस में ताकत किसको दे देना? संसद के कानून को, संसद के विधि को दे देना। फिर क्या करना है आपको? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर राज्य को चाहिए कि उसके पास वीपी हो तो वो पहले क्या ले? संकल्प ले। अब दोनों ही केस है, बनाना भी और हटाना भी, दोनों ही केस है, तो संकल्प ले। इस संकल्प को वो कहाँ रखे? अपनी विधानसभा में। पास करे। कितने बहुमत से पास करे? 2/3 बहुमत से। और ये 2/3 बहुमत से पास हुई भी चिट्ठी वापस किसको भेज दे? संसद को भेज दे।
अब देखो संसद नखरेबाज, अब उस किसी राज्य ने भेजा कि देखो हमारी बना दो और हमारी बना दो, उसने कह दिया सॉरी बिजी हूं मैं। संसद आपको पता ही है, संसद के पास दोनों तरीके की पावर है, हाँ भी कहने की और ना भी कहने की। हो सकता है वो मूड में वो देख ले कि अच्छा ठीक है रहम कर रही हूँ देख लेती हूँ थोड़ा। हाँ वो बहुत उस स्टेट को लेकर वो बहुत ऐसे बायस्ड है, तो कहते नहीं यार छोड़ो यार मैं बिजी हूँ अभी मैं नहीं देख सकती अभी तुम्हारा। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि संसद ऐसे खड़ी है यूं, वो कैसे भी कह सकती है, वो कहते ठीक है अगर मेरा मन हुआ तो मैं देख लूंगी, मेरा मन नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करूंगी। तो यहाँ वही बात लिखी हुई है कि संसद इससे पहले तो कौन सा बहुमत समझेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, साधारण बहुमत से पास करेगी और पास कर भी सकती है और नहीं भी। मतलब यहाँ संसद एक गाना गाएगी कि मेरी मर्जी, मैं चाहे मानू मैं चाहे ना मानू, और ये सब चीजें मेरे लिए क्या है, नॉर्मल है। तो 169(2) में आपको याद रखना है कि जब भी विधान परिषद बनाने और हटाने का संकल्प राज्य पास करके संसद की टेबल पर भेजेंगे उस चिट्ठी को, तो संसद सामने से गाना गा रही है कि मेरी मर्जी, चाहे मैं मानू चाहे मैं ना मानू, और ये सारी की सारी प्रोसेस कैसी है, साधारण बहुमत की है। तो क्लियर 169(2) में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ू तो 169(2) में क्या याद रखोगे कि आपको सारा का सारा मामला किसको दे देना है, संसद को दे देना है, और संसद इस पर इसको कैसे ट्रीट करेगी, नॉर्मल कैसे ट्रीट करेगी संसद इसको, नॉर्मल बहुमत से, और वो यस भी बोल सकती है और नो भी बोल सकती है, दोनों चीजें। तो यहां तक समझ में आया, क्लियर, आगे बढ़ूं? चलो हाँ 169(3), अब संसद ने लास्ट बार बोल दिया कि देखो लास्ट बार कह रही हूँ गौर से सुन लो, जो कुछ भी ये बदलाव होगा ना, जो आप मेरे को चिट्ठी भेजोगे फिर मेरी मर्जियां चलेगी, वो कोई संविधान संशोधन नहीं होगा, कान खोल के सुन लो, वो कोई क्या नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं होगा, वो सिंपल है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि वो क्या है, नॉर्मल बात है मेरे लिए, तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो 169(3) क्या कहता है कि यह बदलाव 368 के तहत, किसके तहत, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। क्या नहीं समझा जाएगा, संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि 169(3) आपको क्या कहेगा कि देखो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो आप, विधान परिषद को बनाना और हटाना, ये दोनों चीजें संसद के लिए कैसी हैं, नॉर्मल, कैसी हैं, नॉर्मल है। मतलब क्या हुआ इसका, मींस क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि ये क्या नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है। क्या नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है, किसी भी सूरत में ये क्या नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 368 के तहत ये क्या नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है। तो ये 169(3) कहता है, समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 168 पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, 168 पढ़ा, टाइप करके दीजिए 168 में आपने क्या पढ़ा। फिर हमने 168 फर्स्ट पढ़ा, फिर हमने 168 सेकंड पढ़ा। 168 में हमने पढ़ा कि हमें विधान मंडल बनाने हैं, क्या करने हैं, हमें विधान मंडल बनाने हैं। अब वो कैसे होंगे, तो उसने कह दिया या तो सिंगल बना लो या क्या बना लो, डबल बना लो। फिर कहता है कि जो बिग सिस्टर है, बड़ी बहन है, जो बड़ी बहन है उसका नाम क्या होगा, आपकी आपकी बड़ी बहन का नाम क्या होगा, हमेशा बीपी होगा, और फिर आपकी छोटी बहन का नाम क्या होगा, विधानसभा होगा। फिर हमने पढ़ा 169, 169 में हमें पहले किसकी बात करनी है, बड़ी बहन की। बड़ी बहन के बारे में हमें दो बातें करनी है, या तो हमें बड़ी बहन बनानी है या फिर हमें बड़ी बहन हटानी है। ये दोनों मामलों में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी, संसद के पास होगी, लेकिन संसद को आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। भेजोगे कैसे, तो राज्य क्या करेगा, वीपी को या तो बनाने के लिए या हटाने के लिए क्या करे, संकल्प ले, और संकल्प को अपनी विधानसभा में कैसे पास करे, दो तिहाई बहुमत से, और ये दो तिहाई बहुमत वाला सिस्टम वो कहाँ भेज दे, संसद को भेज दे। तब आप पढ़ते हो 169
टू के अंदर कि संसद जो है वो कहती है ये सब चीजें मेरे लिए क्या है, नॉर्मल है, और मेरी मर्जी है भाई, मेरी मर्जी कि मैं यस कहूँ या नो कहूँ, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, तो बस सिंपल सी बात है। और फिर संसद ऐसे धमकियाँ लगा के और बोलती है 169C के अंदर कि बोलो कान खोल के सुन लेना, जो कुछ कर रहे हो वो 368 के तहत क्या नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है, क्लियर। अब हम इतना सब कुछ रामायण महाभारत पढ़ने के बाद किसकी बात कर रहे हैं, इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। तो 171 अगला आर्टिकल, 170 खा जाना, पेट में भूख लगी है ना तो खा जाना, क्या याद रखना 171। तो 171 क्या है, विधान परिषदों की संरचना है, तो वीपी की क्या है ये संरचना, क्लियर। तो सिंपल याद रखोगे 171 इज इक्वल टू वीपी की संरचना। अब गठन कर दिया है तो क्या करना पड़ेगा, आपको संरचना बनाना पड़ेगा, इसको हम क्या कर लेते हैं ऐसे बक्से में बंद कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, आगे चलें। चलो अब सबसे पहले पढ़ेंगे 171 फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे भी आपको अटमोस्ट लेवल का क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, आपने 171 पढ़ा, क्या पढ़ा आपने 171, और उसमें आपने क्या लिख दिया, 171 में आपने लिखा विधान परिषद की संरचना, ठीक है। अब आपको पता है 171 आपको कहता है कि सुनो गौर से, आपको क्या कह रही है वो कि गौर से सुनो कि जो भी विधान परिषद आप बनाओगे उसका पहला रूल ये है कि आपकी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का ये कितना होगी, एक तिहाई होगी, बस एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगी, पहला रूल यही है, एक तिहाई से क्या नहीं करना है आपको, ज्यादा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में कितने हैं, 200, 200 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आएगा आपका, जैसे ही आप 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, उस केस में 66 आ जाएगा। तो राजस्थान में जब भी विधान परिषद बनेगी तो वो किससे ज्यादा नहीं होगी, 66 सीट से ज्यादा नहीं होगी, तो समझ आया। तो यहाँ तक पढ़ू, राज्य में विधान परिषदों के सदस्यों की कुल संख्या, इसके परिषदों की कुल संख्या, विधान परिषदों के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगी। अब अपना फॉर्मूला कीवर्ड सेट करते हैं, 171 फर्स्ट क्या कह रहा है आपको कि विधान परिषद की कुल सीट इज इक्वल टू विधानसभा की कुल सीट का 1/3 से ज्यादा नहीं, बात खत्म, बस 1/3 से क्या नहीं करना आपको, ज्यादा नहीं करना। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टार दिख रहा है आपको, रुको, यहाँ आपको ये छोटा सा स्टार दिख रहा है, इस स्टार से क्वेश्चन आ सकता है। अब हुआ क्या था, देखो एक तो वो सातवां संविधान संशोधन 1956, इतना उस पर कई बार ऐसा गुस्सा आता है ना कि यार तुमने कितना कितना बदलाव कर दिया, हर चीज के तुमने क्या बदले हैं, जज्बात बदले हैं, इसलिए एग्जामिनर पूछ भी सकता है आपको। तो देखो जो सातवां संविधान संशोधन है आपका 1956 का, उसने यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, 1/4 लिखा हुआ था, 1/4 के स्थान पर क्या लिख दिया, 1/3। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है कि आपको याद रखना है कि पहले 1/3 नहीं था, पहले कितना था भाई, तो पहले था 1/4। तो भाई बदला कब आपने, ये बदलाव कब किया आपने, तो ये बदलाव हमने किए 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से कर दिए, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका भी सेक्शन कौन सा था, धारा 10 पर, इतना डीप में नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना याद रखते हैं कि पहले ये 1/3 नहीं था, पहले ये कितना था, 1/4 था। तो अब मेरे दो क्वेश्चन है आपसे जिनका आप अभी लाइव चैट में आंसर दोगे, पहला क्या विधान परिषद विधानसभा की कुल सीट संख्या का 1/4 होगी, क्या ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कोई एक, कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ठीक है। फिर आप मुझे ये बताओगे कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसने विधान परिषदों की संरचना विधानसभा की कुल सीट संख्या के 1/4 से घटाकर 1/3 कर दी, ठीक है, तो वो संविधान संशोधन का नाम मुझे बताइए। ये दो क्वेश्चन इस जगह से क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। फिर 171 में आपको एक चीज और याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया, विधान परिषद का मैक्स और मिनिमम तय कर दिया,
मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है वो आपको पता है, 1/3, और वो भी किसका, विधानसभा का। लेकिन मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम कितनी हो सकती है 40, मिनिमम कितनी हो सकती है 40। तो याद रखें विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है, 40 है, 40 है, और विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलूं। हाँ, अब पेज खाली दिख रहा है तो एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं। तो 171 में हम क्या पढ़ेंगे, विधान परिषद की संरचना पढ़ेंगे, ठीक बात। फिर हम क्या करेंगे, 171 सब सेक्शन फर्स्ट पढ़ेंगे। अब हम विधानसभा की कुल सीट संख्या देखेंगे, कुल सीट देखेंगे, जो क्या होगी, 1/3 होगी, 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, किसका, विधानसभा की कुल सीट का, विधानसभा की कुल सीट का। अब हम क्या करते हैं, हम यहीं पर इसके बाहर ऐसे एक डब्बा बना के लिखते हैं कि पहले ये 1/4 था, लेकिन 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 7th अमेंडमेंट 1956 ने 1/3 कर दिया, यही लिख दिया आपने। फिर आपको पॉइंट नोट करना है कि वीपी का मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम वही है 1/3 ऑफ विधानसभा कुल सीट, लेकिन इसका वीपी का मिनिमम क्या हो सकता है, तो वीपी का मिनिमम आपको कितना याद रखना है, वीपी का मिनिमम आपको याद रखना है 40, वीपी का मिनिमम क्या याद रखना है आपको, 40 याद रखना है, ठीक है। अब देखो विधान परिषदों की 171-2 याद करेंगे, अब 171-2 समझेंगे। 171-2 क्या कहता है कि देखो आपको विधान परिषदों की संरचना या तो संसद से तय करा लेनी है, किससे तय करा लेनी है, संसद से। अगर संसद नहीं तय करेगी ना, तो वो 171-3 के अनुसार होंगे, किसके अनुसार होंगे, 171-3 से। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है, पहले वो 71-1 आ गया जिसमें उन्होंने इतना सीट का पंगा बता दिया, अब 71-2 में वो आपको कह रहे हैं कि विधान परिषद की संरचना आप किससे तय करा लेना, या तो संसद से, अगर संसद नहीं तय करे तो 171-3 के अनुसार तय कर लेना। ये देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आपको कहीं बहुत बड़े फंक्शन में जाना है और आपको कपड़ों का जजमेंट नहीं हो रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मम्मी से पूछ के पहन लीजिए, या आप किसी बड़े डिजाइनर के पास जाइए और उसे कहिए कि देखो मैं ऐसी दिखती हूँ और आप मेरे अकॉर्डिंग क्या कर दीजिए, मेरे फिगर के अकॉर्डिंग मुझे कपड़ा दे दीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही है कि या तो विधान परिषद को अगर आपको संरचना बनानी है तो आप संसद की शरण में जाइए और कहिए कि हे बड़ी बहन, बड़ी बड़ी बहन, तू मेरे लिए क्या कर दे, विधान परिषद का निर्माण कर दे। हाँ, अगर संसद कह दे कि यार सॉरी आई एम सो बिजी, मैं नहीं कर सकती हूँ, इतने 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 दुख है मेरी जिंदगी में कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तब आप क्या करना, वो कह रही है कि तुमने देखा ऐसा करो, ये किताब पकड़ो, इसका 171-3 देखो, उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी क्या बना लो, विधान परिषद बना लो। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ूं, चलो। हाँ, अब वो आ गई है स्ट्रक्चर कि अगर संसद मना कर दे, कहते यार सॉरी थक गई काम करती करती, इतना काम का बोझ है, तुम किसके अनुसार बना लो, 171-3 के अनुसार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो गौर से देखना। अब किसी राज्य की वीपी के सदस्यों की कुल संख्या, अब हम क्या पढ़ रहे हैं 171-3 में, वीपी की कुल सीट संख्या कैसे होगी, कैसी होगी, अब गौर से देखना, बहुत गौर से। अब आप इसको वीपी को कंप्लीट वन मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कंप्लीट वन मान लीजिए। इस कंप्लीट वन में से आपको 5/6 तो इलेक्शन करवाने हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव से लानी है, किससे लानी है, अप्रत्यक्ष चुनाव से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और 1/6 आपको क्या करानी है, नॉमिनेटेड, नामित करवानी है, किससे करानी है, अपने प्यारे से राज्यपाल से। तो अब बस वही सिस्टम चलेगा। अब देखो यहाँ तक लगभग सब बच्चों को क्या करता है, याद रहता है, पर आप समझने की कोशिश करें, एक रुपया को तोड़ा गया है, अब देखो 1/3, अब 1/3 को ना ऐसे पूरा लाइन मत पढ़ने बैठ जाना, 1/3 में याद रखना कि नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारी, बस 1/3 लोग कहाँ से भर दोगे,
आप नगर पालिका से भर लेना, जिला बोर्डों से भर लेना, स्थानीय प्राधिकारियों से भर लेना। तो सबसे पहले देखो 1/3 यहाँ लिख लेना नगर पालिका, फिर जिला बोर्ड, और फिर क्या लिख देना स्थानीय अधिकारी। क्या लिख देना स्थानीय अधिकारी, बात खत्म। तो जो भी एक तिहाई सीटें होंगी, क्या कह रही हूं मैं कि जो भी एक तिहाई सीटें होंगी वो या तो नगर पालिका से या फिर जिला बोर्डों से ले आना या फिर स्थानीय अधिकारियों से, क्लियर। फिर देखो 1/12 इसको सही कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये 1/2 नहीं है, ये 1/12 है। क्या है ये 1/12, 1/12, ठीक है। तो 1/12 कहाँ से ले आना, आप भारत के राज्य में अगर कोई भी, भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसके यूजी में पढ़ने वाला बच्चा, जस्ट ग्रेजुएट बच्चा, ठीक है, तो 1/12 कितना, 1/12 कितना कह रही हूँ मैं आपको, 1/12 आप कहाँ से ले आना, यूजी के बच्चे को ले आना, यूजी स्टूडेंट को ले आना। किसी भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है, उसने अंडर ग्रेजुएट क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है, उसको क्या कर लेना, आप ले आना, ठीक है। फिर 1/12, मुझे लगता है आप में से जाएगा कोई 1/12 में, हो सकता है भाई, अगर कभी राज्य में वीपी बनी तो हो सकता है कोई क्लास में से ही चला जाए वीपी में, ठीक है। तो देखो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, प्राथमिक पाठशालाएं नहीं, माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ाने के काम में कम से कम 3 साल से लगे हो, कम से कम कितने साल से लगे हो, 3 साल से। तो जिसको माध्यमिक में पढ़ाते पढ़ाते 3 साल हो गए हैं वो क्या कर सकता है, जा सकता है। तो फिर से याद करोगे 1/12 सिंपल लिखोगे माध्यमिक, और कितने ईयर का एक्सपीरियंस, 3 ईयर्स का, ऐसा टीचर आपको वहां ले जाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो 1/3, यहाँ पे बहुत गौर से ध्यान रखना, इसको नाम दिया है ए, इसको नाम देंगे अपन ए, इसको नाम देंगे अपन बी, इसको नाम देंगे अपन सी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डी पढ़ रहे हैं, अब जगह ही नहीं बची तो यहीं पे गौर रखते हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डी को पढ़ रहे हैं। डी को क्या लिखा है कि 1/3 व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसे लोग जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो राजस्थान में तो रह रहे हैं लेकिन वो एमएलए नहीं है, राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं है, जिन्हें जिन्हें राज्य विधानसभा के लोग चुनेंगे, मतलब वो नॉर्मल लोग हैं और वो एमएलए भी नहीं है लेकिन वो इस वीपी के चुनाव में खड़े हुए हैं, और उनको चुनेगा कौन, उनके लिए वोट कौन करेगा, हम नहीं करेंगे उनके लिए वोट, हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए जो हैं वो उनके लिए क्या करेंगे, वोट करेंगे। ऐसे लोग कितने होंगे आपके पास, 1/3। इस पॉइंट को, इस डी पॉइंट को आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब ई तो बहुत ईजी है, ई तो आपको क्या कराने हैं, सिर्फ नॉमिनेट कराने हैं। तो ई क्या कह रहा है आपसे कि शेष व्यक्ति राज्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। तो कौन नॉमिनेट करेगा आपका, ई राज्यपाल नॉमिनेट कर देगा, और राज्यपाल में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। तो ये समझ आया आपको 171(3)। तो देखो 171(3) एक बार और आपको समझा देते हैं। यहाँ आपको क्या कराना है, वीपी की संरचना तय कर, सीट संख्या क्या करनी है, तय करनी है कुल सीट संख्या। तो बहुत आसान है, ए में आप क्या करना, 1/3 कहाँ से ले आना, नगर पालिका से, जिला बोर्ड से और स्थानीय अधिकारी, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, बी, बी में आपको क्या लाने हैं, 1/12, ये क्या होने चाहिए, यूनिवर्सिटी के यूजी में पढ़े लोग, है ना, ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट, ये आपको लाने हैं, क्लियर। फिर सी में आपको क्या करना है, फिर से 1/12 माध्यमिक स्कूल्स में, है ना, माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाले 3 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर को लाना है आपको। फिर डी में आपको बहुत ध्यान रखना है, मैं स्टार लगा दे रही हूँ कि 1/3 लोग, 1/3, देखो ये रहा डी, 1/3, तो 1/3 आपको क्या करने हैं, ऐसे लोग जो एमएलए नहीं है, जो क्या नहीं है, एमएलए नहीं है, परंतु इन लोगों को
कौन चुनेंगे? विधानसभा के एमएलए चुनेंगे। कहाँ के लिए चुनेंगे? बीपी के लिए। क्लियर? अब बचता है आपका ई ऑप्शन, और ई ऑप्शन आपको क्या कहता है कि जो बचे हुए 1/6 है, जो बचे हुए 1/6 है, ये आप नॉमिनेट करा लेना। क्या करा लेना? नॉमिनेट। किससे नॉमिनेट करा लेना? आप अपने राज्यपाल से। तो ये संरचना आपको समझ आई? कोई प्रॉब्लम नहीं? पूरा क्लियर दिख रहा है? आगे चले। चलो अब देखो, अनुच्छेद 171/4 कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब ये क्या कह रहा है, जो समझिए आप, ये कह रहा है कि जो भी 171(3) के तहत, 171(3) के तहत, ये रहा 171(3), ए बी सी डी के तहत निर्वाचित होंगे, उनका क्या होगा? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। सही बात है, राजस्थान में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उन्हीं से हमें क्या लाना है? ए बी सी डी को लाना है। तो क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर उन्होंने लिखा है कि 171(3)(d) जो कि इम्पोर्टेंट है, ये वाले लोग, 173(d) वाले लोग, इनके लिए तो इलेक्शन होगा ना, तो वो बता रहे हैं कि इलेक्शन कैसा होगा। तो 173(d) वाले लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अब जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगी उस वक्त डिटेल में समझाऊंगी, या सिंगल एक वीडियो बनाऊंगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर, ताकि आपको समझ में आए। अभी आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एक पद्धति है इलेक्शन की, जिसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा तय होंगे। तो मतलब ये सारे कहाँ से आएंगे? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से। और इनके लिए चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, और वो भी कौन सा मत? एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो यहाँ पे लिख लो 171(4), पहला ए बी सी डी जो कि किसमें लिखे हुए हैं, 171(3) में, वो सब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? पहली लाइन यही कहती है, फिर दूसरी लाइन कहती है कि जो 171(3) का डी पार्ट है, वो के लिए चुनाव कैसा कराना है? तो वो कह रहे हैं सिंपल, कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और कैसी प्रणाली? एकल संक्रमणीय वाली। कौन सी वाली? एकल संक्रमणीय वाली। तो क्लियर? 171(4) तक कोई दिक्कत नहीं? आगे चलो, चले आगे। चलो अब देखो 171(5), क्या मुझे आराम करने को मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्या कर रहा है कुछ राज्यपाल? तो ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है। किसकी शक्ति है ये? राज्यपाल की। इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल और विधान मंडल जो है वो दो हंसों के जोड़े हैं, उनको कोई सेपरेट नहीं कर सकता। जैसे संसद को आप राष्ट्रपति से अलग नहीं कर सकते, संसद और राष्ट्रपति दो हंसों का जोड़ा है, बिल्कुल वैसे ही विधान मंडल और राज्यपाल दो हंसों का जोड़ा है, उसको भी अलग नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको राज्यपाल की विधायी शक्ति में पढ़ाया था, ये बिल्कुल वही है कि राज्यपाल द्वारा 171(3)(e) के तहत नामित व्यक्ति निम्न विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखेंगे, वो साहित्य से होंगे, वो विज्ञान से होंगे, वो कला से होंगे, वो सहकारी आंदोलन से होंगे, और समाज सेवा से होंगे। तो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैंने ये आपको कहाँ याद करवा दिया था, कहाँ समझा दिया था? राज्यपाल में समझा दिया था। और यहाँ तक ये चीज मैं आशा करती हूँ कि आपको 171(5) और ये देखते ही वो क्लास का वो लाइन क्या कर दिया होगा, याद आ गया होगा। तो यहाँ लिख दूँ, ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति और है? विधायी शक्ति और है। तो अब समझ में आया कि राज्यपाल अगर ढंग से पढ़ा हो तो विधान मंडल थोड़ी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो आगे चले। ओह, क्लास हो गई आज की। तो आज फर्स्ट पार्ट हुआ है, और बहुत ऐसा लग रहा है कि समझा पाई हूँ या नहीं मैं, तो आज भी आपकी ड्यूटी है। देखो कुछ टॉपिक बहुत टफ होते हैं, जैसे हाईकोर्ट था, वैसे ही विधान मंडल है, वो भी थोड़ा टफ है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कमेंट बॉक्स में, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो भी लिख देंगे, तो टीम मुझे बता देगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने कंफ्यूजन को दूर करते रहिए, और जिसको टेस्ट सीरीज खरीदनी है, सारे नोट्स पीपीटी सब चाहिए, वीडियो एक, तो आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपको प्ले स्टोर का ऐप, प्ले स्टोर पर जाना होगा, और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाके वो जीके का टेस्ट सीरीज क्या करना होगा आपको?
परचेज करना होगा। और आज आप मुझे बताना नहीं भूलेंगे कि आपको विधान मंडल का ये पहला पार्ट समझ में आया या नहीं आया। और जैसे ही कल नेक्स्ट क्लास होगी, आप पहले एक घंटा पुरानी क्लास का वीडियो क्या करेंगे, रीवाइंड करके देखेंगे, फिर क्लास में बैठेंगे। डन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल NDC क्लासेस। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।